इस समय स्मार्टफोन का खूब दौर है। हर कोई धड़ल्ले से स्मार्टफोन का इस्तेमाल कई कई घंटों तक करता रहता है। आज के दौर में इंसान की निर्भरता स्मार्टफोन पर काफी ज्यादा है, क्योंकि एक छोटे से स्मार्टफोन के आपके कई सारे काम घर बैठे हो जा रहे हैं। दवाई मंगाना हो, बिजली का बिल देना हो, टिकट लेनी हो, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, दोस्तों और रिश्तेदारों से वीडियो कॉलिंग बात करना हो, सब कुछ हो जाता है। सब कुछ इस एक फोन से हो जाता है। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि स्मार्टफोन में कई सारे फीचर होते हैं जिनका अपना अलग अलग इस्तेमाल होता है। ऐसा ही एक खास फीचर ब्लूटूथ होता है, जिसका इस्तेमाल एक फोन से दूसरे फोन को या फिर किसी अन्य स्पीकर वाली डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है इसका नाम ब्लूटूथ ही क्यों होता है, रेड, व्हाइट, ब्लैक या येलो क्यों नहीं होता है? असल में इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है, तो चलिए आपको इस वीडियो में ब्लूटूथ की कहानी के बारे में बताते हैं। ब्लूटूथ से आज हर कोई वाकिफ है। आप घर में हो या कार में हो या फिर ऑफिस में, ब्लूटूथ की जरूरत कभी ना कभी पड़ ही जाती है। अब तो एडवांस तकनीक के साथ कई ब्लूटूथ डिवाइस मार्केट में भी उपलब्ध है। ब्लूटूथ का काम एक फोन से दूसरे फोन से कनेक्ट करके एक मोबाइल के फाइल को दूसरे से भेजना होता है। साथ ही कई सारे ब्लूटूथ बेस्ड स्पीकर या साउंड बार को भी आप अपने फोन से जोड़ने के लिए ब्लूटूथ का सहारा लेते हैं। ब्लूटूथ को हिंदी में नीला दांत कहते हैं, जो कि सुनने में काफी अटपटा सा लगता है, लेकिन इसके पीछे एक अलग राज छुपा है जिसकी वजह से इसे ब्लूटूथ यानी नीला दांत कहते हैं। आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि ब्लूटूथ का नाम किसी टेक्निकल कारण से नहीं रखा गया था, बल्कि इसका नाम एक राजा की वजह से ऐसा पड़ा था। दरअसल मध्यकाल में एक स्कैंडिनेवियाई राजा हुआ करता था, जिसका नाम हेराल्ड गोर्मसन था और उसका दांत नीला था। राजा का एक दांत बिल्कुल खराब होकर सड़ गया था। राजा के इस दांत में जान बिल्कुल भी नहीं थी। यही कारण था कि इस राजा को ब्लूटूथ के नाम से बुलाया जाता था। ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्निकल फीचर है, जो कम दूरी के रेंज में एक फोन से दूसरे फोन में डाटा फाइल्स शेयर करने का काम करता है। सिंपल फोन से लेकर स्मार्टफोन तक में यह फीचर उपलब्ध होता है। आपको बता दें कि आप बिना कोडर, मोडम या डाटा केबल इस्तेमाल किए बिना ही बहुत ही आराम से एक जगह रुककर आप फाइल शेयर कर सकते हैं। आप करते भी होंगे। दरअसल ये बहुत सिंपल होता है, जिसे हर कोई आसानी से समझ सकता है। साथ ही इसमें बैटरी कम खर्च होती है। इसका रेंज 10 से 5 मीटर तक होती है। साथ ही इसकी स्पीड 1 Mbps होती है। साथ ही आप एक कमरे से दूसरे कमरे में रखे फोन में भी डाटा आराम से भेज सकते हैं। इसमें दीवार बाधा नहीं बनती है।